खबर यूपी के प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ में बागराय थाने की पुलिस गरीब असहाय परिवारों के लिए मसीहा के रूप में नजर आई। आपको बता दें, जहां सारा विश्व इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस COVID-19 से जूझ रहा है और इससे निजात पाने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वहीं भारत देश भी इससे अछूता नहीं रह गया है और निरंतर देश में इसकी रोकथाम के लिए तरह तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जहां राज्य व केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहा है कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, वहीं सारे देश को केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन किया गया है। और ऐसे में जो गरीब असहाय दुर्बल किस्म के लोग हैं, ऐसे परिवारों के पास दाने दाने के मोहताज हो गए हैं ऐसे लोग, और भूखे सोने को मजबूर हैं। और ऐसे में बेसहारा व गरीब परिवारों के लिए मसीहा के रूप में सामने आ रही है बागराय पुलिस, जहां बागराय थाने के प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार यादव ने थाना क्षेत्र के कई स्थानों पर बाग में टेंट के नीचे जीवन यापन कर रहे गरीब परिवारों को लंच का पैकेट वितरित किया। साथ ही साथ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से बचने व लॉकडाउन का अनुपालन करने के लिए, साथ ही सफाई रखने के लिए और इस COVID-19 इस महामारी से खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपने अपने घरों में ही रहने की लोगों से अपील किया। PLL न्यूज़ के लिए प्रतापगढ़ से रत्नेश शुक्ला की रिपोर्ट।